press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमने BSNL से जुड़ी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पर, लोग उसे पसंद भी करते हैं, इसलिए मैं और भी इन्फॉर्मेशंस लेकर आता हूं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जो है बल्क में कमेंट्स आ रहे हैं वो इस बारे में कि वो अपने सिम को पोर्ट कैसे कराएँ जो है BSNL के अंदर। यानी कि बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आपको पोर्ट की जो सुविधा बिल्कुल घर बैठे ही एक तरीके से आप कह सकते हो मिल सकती है, लेकिन BSNL में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी एक डिटेल प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, उसे गुजरना पड़ता है, तब आप जो है अपना सिम जाके पोर्ट करा सकते हैं। लगभग पूरे प्रोसीजर में 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। इस बीच में आपको जो है एक्सचेंज भी जाना पड़ेगा, यानी कि आप नॉर्मली किसी रिटेलर के पास नहीं जा सकते हैं। आप किस तरीके से पोर्ट करा सकते हैं ये मैं डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा कि BSNL की क्या खूबी है और किस तरीके से उनसे जुड़ा जा सकता है और एक रॉयल नेटवर्क से जुड़ने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस सारी डिटेल के साथ हाजिर हूं आपके साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको क्या प्रोसीजर रखना है। दोस्तों, आप आईडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आधार कार्ड का, और इसके लिए आपको जो है एक फ़ोटो भी रख ही लीजिएगा स्पेयर में, हालांकि वहाँ पर फोटो आपको खुद खींची जाएगी। नॉर्मली तो आपको पोर्ट के लिए जो है किसी रिटेलर के पास जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा और हो सकता है आपका काम उतनी आसानी से ना हो, कहीं ना कहीं उलझ जाए और आपका जो है पोर्ट सक्सेस ना हो पाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप पोर्ट कोड मंगा लीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद जो है BSNL एक्सचेंज जाइए। BSNL एक्सचेंज जाने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉय से बताइए कि आप BSNL से जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद जो है वो आपको पूरा प्रोसीजर देंगे। वो सबसे पहले तो आपकी आईडी लेंगे, आपकी ओरिजिनल आईडी मांगेंगे, उसके बाद जो अपना वो पेपर वर्क होगा वो कर लेंगे, इसके बाद आपकी फोटोज़ वगैरह खींचेंगे और यहाँ पर आपको जो है दे देंगे वो समय 5 दिन का। इसी बीच आपको जो है वेरीफिकेशन कॉल भी आ सकती हैं कंपनी की तरफ से, BSNL की तरफ से, और वो आपसे पूछ सकते हैं कुछ नॉर्मल सी डिटेल्स वगैरह। जैसे कि मेरे पास आई थी एक वेरीफिकेशन रिलेटेड कॉल, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पूछी गई थी मुझसे। नेक्स्ट पर बात आती है जो प्राइस की, तो वहां पर आपको कितने देने। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग से एक पॉइंट निकाल दूं कि पोर्ट कराने का कोई भी फीस जो है BSNL नहीं लेता है यहां पर, लेकिन FRC के कुछ अमाउंट है, जैसे 54 रुपए की FRC है, 107 रुपए की FRC है, तो वहां पर ये FRC का अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक्सचेंज वाले आपको थोड़ा सा कानून पढ़ाएंगे कि कहेंगे 30 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए सिम का यहां पर वो, तो वहां पर आप जो है 1503 पर कॉल करिए और सीधे कॉल करके उनको बताइए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, लीजिए बात कर लीजिए, तो वहां पर ये सिचुएशन आपकी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। देखिए, 30 रुपए बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन यहां पर यह है कि अगर आज आपने दे दिए तो कल वो और लोगों से मांगेगा, फिर वो और लोगों से मांगेगा, पूरी चेन बन जाएगी और वो पूरा सिस्टम जो है खराब हो जाएगा। तो यहां पर ये पूरी डिटेल के साथ इस प्रोसेस को अपनाना है। उसके बाद आपको जो है 7 से 8 दिन का समय लगेगा इस बीच में, और फिर उसके बाद आपको जो है जैसे ही आपके उसमें सिग्नल आ जाते हैं तो आपको एक टेली वेरीफिकेशन कॉल करनी पड़ेगी। उस वेरीफिकेशन कॉल के बाद जो है आपका सिम जो है चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर फ़ोन करना है एक्सचेंज में, और अगर आपने पैसे दे रखे हैं वहाँ पर 54 रुपीज़, हालांकि ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप उन्हीं से FRC कराएं, आप चाहें तो कहीं बाहर से भी करा सकते हैं, ये भी कोई कंपलसरी नहीं कि आप उनको 54 रुपये 107 रुपये आपके आसपास आपको देने। तो यहाँ पर इस चीज़ से भी आप बिल्कुल सावधान रहें, आप चाहें तो सिर्फ सिम लेके चले आएँ तो भी आपका जो है एकदम जायज़ है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है कुछ प्रोमो बैलेंस और 45 रुपये के आसपास मिलता है, ये पूरा मुझे क्लियर नहीं है, आप इसे इंटरनेट पे चेक करिएगा, प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं FRC के लिए। उसके बाद आप जैसे कि जियो में होते हैं 90 दिन के, 84 दिन के या और भी कंपनी में होते हैं, इस तरह के कॉम्बो प्लान्स को आप अपना सकते हैं। BSNL में भी 448 रुपये का है, जिसमें आपको 3.2 GB रोज मिलेगा और कॉल SMS BSNL ट्यून, ये सारी चीज़ें आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा शेयर करूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ा था, तो मैंने एक इस पर डिटेल वीडियो बना दी कि आप जो है पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझ पाएं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।